बांग्लादेश को दोनों टेस्ट इतने रनों से हराकर भारत खेलेगा WTC फाइनल। जी दोस्तों, भारतीय टीम के पास बड़ा मौका है WTC के फाइनल में पहुंचने का। अगर टीम इंडिया बांग्लादेश को दोनों टेस्ट मैच इतने रनों के अंतर से हरा देती है तो फिर एक बार फिर हमारी भारतीय टीम WTC का फाइनल खेलेगी। जी दोस्तों, आपको बताएंगे कैसे भारतीय टीम WTC का फाइनल खेलेगी, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वही अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया WTC का फाइनल खेले तो इस वीडियो को लाइक करके बताएं इस बार कौन सी दो टीम फाइनल खेलेगी, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले रावलपिंडी और फिर मुल्तान टेस्ट में भी मिली शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान हो गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पस्त। जी हाँ, खबर बड़ी है, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद ही अब बाबर आजम की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुकी है। वही इंग्लैंड की टीम जीत कर भी इस रेस से बाहर ही है और सिर्फ चार टीमें ऐसी हैं जो खिताबी जंग की दावेदार है। इन चार दावेदारों में एक नाम भारत का भी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के पास भी फाइनल में पहुंचने का मौका है। दोस्तों, टीम इंडिया की बात करें तो उनके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना आसान नहीं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी टीम है जिसका फाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरे स्पॉट के लिए साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और भारत में टक्कर है। तो आइए आपको बताते हैं इन टीमों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में ऑस्ट्रेलिया पहले, साउथ अफ्रीका दूसरे, श्रीलंका तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के पास ही 60% से ज्यादा अंक है। वहीं श्रीलंका और भारत अभी 60% से दूर है। हालांकि भारत श्रीलंका दोनों अभी फाइनल में पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों टीमों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। दोस्तों, भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के शेड्यूल के तहत अभी 6 टेस्ट और खेलने हैं और इसमें से उसे 5 टेस्ट मैच जीतने ही होंगे। भारत को बांग्लादेश के खिलाफ 2 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वहीं श्रीलंका के अभी 2 मैच बाकी हैं और ये टेस्ट सीरीज उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है। श्रीलंका को न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है और वहां उसे दोनों ही टेस्ट जीतने होंगे, तभी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाएगा। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को हराना किसी टीम के लिए आसान नहीं है और श्रीलंका जैसे टीम के बस में तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो न्यूजीलैंड को हरा पाए। हाँ, अगर ये मैच श्रीलंका में होता तो एक चांस जरूर बनता, लेकिन न्यूजीलैंड में ये ना के बराबर है, मतलब श्रीलंका तो बाहर ही है। वही ऑस्ट्रेलिया टीम के 7 मैच बचे हैं और उसे फाइनल में पहुंचने के लिए 2 जीत और 1 ड्रॉ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका से 3 टेस्ट और भारत के खिलाफ 4 टेस्ट खेलने हैं। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो वो फाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए 5 में से 3 टेस्ट जीतने हैं और साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, जो उसके लिए भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर फाइनल के 2 दावेदार ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका आपस में टकराएंगे और इसमें से अगर अफ्रीका की हार होती है तो फिर इसका सीधा फायदा भारत को होगा क्योंकि अफ्रीका हार के बाद रेस में तो बने रहेगी, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में हराती है तो फिर अफ्रीका अपने आप ही बाहर हो जाएगी और हमारी भारतीय टीम बड़े आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगी, जहां पर उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से ही होगा। तो दोस्तों, अगर टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचना है तो फिर अपने बचे 6 टेस्ट मैच जीतने होंगे, जिसमें से 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो भारत में ही होगा। ऐसे में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।